corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, education, conflict, environment, gender, development, corruption. राजस्थान के करौली जिले का मेन बाजार जहां 20 माइक्रो से कम की थैलियों का उपयोग किया जाता है। राजस्थान को प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा विनिर्माण भंडार एवं वितरण विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। प्लास्टिक जनता के जीवन में इस तरह आ गई है जैसे कोई खाने की वस्तु हो। ज्यादातर लोग खास सामग्री हो या पेय पदार्थ सभी के लिए पॉलीथीन बैग काम में लेते हैं। आपको पता है कि पॉलीथीन पर कानून लागू है, उसके बावजूद भी यूज में ले रहे हो, क्यों? क्या करें, सरकार ने चलाई है, सरकार सप्लाई करवा रही है दुकानदारों को, दुकानदार थैलियों को रखते हैं और दुकानदार उसी में थैलियों में देते हैं, हम ले जाते हैं, हमको सुविधा लगती है, घर से हम बैग लाते नहीं है थे। हम मजबूर हैं, इसके अलावा कोई हमारा चारा नहीं है थैली के अलावा। अब ये क्या है साहब, पहले पुराने ज़माने में हम लोग कपड़ों थैले काम में लिया करते थे, आज जो गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसी की जो सुविधाएं हमें उपलब्ध कराई और आज उसी को गवर्नमेंट जो पाबंद कर रही है। आपके द्वारा करौली जिले में पॉलीथीन बैग पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है क्या? करौली जिले में पॉलीथीन के उपयोग पर जो 20 माइक्रोन से कम वाली पॉलीथीन उनको रोकने के लिए हमने जहाँ जहाँ भी इस तरह का यूज होता था नगर पालिका के माध्यम से उन पर छापे डाले गए हैं। पशु पॉलीथीन के अंदर की खास सामग्री को खाने के चक्कर में पूरी पॉलीथीन को खा जाते हैं, वह पशुओं के पेट में जाकर जम जाती है। ज़्यादातर गायों की मौत का कारण पॉलीथीन है। पॉलीथीन या प्लास्टिक बैग का उपयोग में लाने के बाद फेंकने पर नष्ट नहीं होते। अगर इन्हें जलाया जाए तो इससे निकलने वाली गैस वातावरण व मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है। आपको पता है प्लास्टिक से पर्यावरण को नुकसान होता है? हाँ। चारों तरफ प्लास्टिक का ढेर पड़ा हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम हैं खुद। सरकार जिम्मेदार है, जिस दिन सरकार थैलियों को बंद कर देगी अपने आप कचरा भी बंद हो जाएगा थैलियों का। और 1 अगस्त से जो ये प्लास्टिक पर पूरी तरह से कानून लगे उसकी क्या योजना? जैसे ही वो लागू होता है हम उसकी अक्षरशः पालना कराएंगे। वो लागू हो उससे पहले ही हमने इस प्रकार यहाँ पर माहौल बना लिया है। पॉलीथीन का यूज जो 1 अगस्त से बंद होने वाला है, हमें पूरा विश्वास है कि आम जनता भी उसमें सहयोग देगी। ज़रूरत है कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें और प्लास्टिक बैग से बनने वाले प्रदूषण को रोकें। अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत में प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े का बैग, जूट का बैग, अखबार या कागज़ का बैग इस्तेमाल करें तो यह संकट काफ़ी हद तक काबू में लाया जा सकता है। सुनीता कसेरा, करौली जिला, इंडिया नाइट।